नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते होंगे मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आप लोग को दिखाने चल रहा हूँ गंगा एक्सप्रेसवे का अपडेट, जो कि प्रयागराज में काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। तो आप लोग जानते होंगे महाकुंभ 2025 से पहले इसको पूरा किया जाना है। वही आपके रिंग रोड का भी काम शुरू हो चुका है, जैसा कि आप लोग का काफ़ी सारा कमेंट आता रहता है कि भैया रिंग रोड का कहाँ कहाँ से जा रहा, रिंग रोड क्या, इसका क्या अपडेट है। तो सब भी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी चलते हैं, आप लोग को गंगा एक्सप्रेसवे का अपडेट दिखाते हैं क्या निर्माण कार्य चल रहा है। अभी फ़िलहाल हम लोग कछार एरिया में हैं, जो कि बेली से मलाका साइड को जो कछार एरिया है वहाँ पर हैं। आप लोग को दिखाएंगे, इसकी दो वीडियो मैं बनाऊँगा। पहली वीडियो मैं बनाऊँगा बेली से बीच ये कछार तक, ये जो डैम वाला है यहाँ तक का, और दूसरी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी इसका पार्ट, सेकंड पार्ट है, यहाँ से लेकर के जो आगे मतलब मलाका चौराहे से है पूरा उस साइड का, क्योंकि बीच में गंगा नदी है तो सीधा सीधा हम लोग जा नहीं सकते, उस साइड से दिखाएंगे। हो सकता है उसके आगे भी हम लोग कवर करें, तो सेकंड पार्ट में देखिए आप कहाँ तक गंगा से कवर करते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए बैक कैमरे से आप लोग को पूरा दिखाते हैं। तो दोस्तों सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर गार्डन लगने का काम चालू हो गया है, और हम लोग फिलहाल अभी बेली साइड में हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना आप लोग, 6 लेन प्रोजेक्ट का, जैसा कि जानते हैं आप लोग प्रयागराज में काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, इसको नवंबर दिसंबर तक पूरा किया जाना है। 2025 माघ मेले में इसको शुरू कर दिया जाएगा, इसलिए इसकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो पहले फेज में हम आप लोग को दिखा रहे हैं बेली से मलाका कछार तक, उसके बाद कछार से आपको चौराहे तक दिखाएंगे सेकंड फेज में। देखते हैं आगे जाने को मिलता है कि नहीं मिलता। दोस्तों सामने आप देख पा रहे होंगे दोनों साइड गार्डन पे पिलर पे गार्डन रखा जा रहा है। ये देखिए, और इस साइड में भी मतलब कि चल रहा है निर्माण कार्य, जो कि डिवाइडर वगैरह साइड साइड में बनाया जाएगा। तो आप लोग को सब वीडियो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी कीचड़ वगैरह हो गया बारिश के कारण, और पिलर पे देख सकते हैं गार्डन वगैरह रखने का काम चल रहा है, और ये छोटा सा पुलिया टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे नाला वगैरह है जिसके बाढ़ का पानी यहाँ पर भर जाता है, इसलिए यहाँ पे लगभग 15-20 पिलर बनाए गए हुए हैं, या उससे भी ज़्यादा बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी लगता है, तो इसलिए ऊपर ऊपर से गाड़ियाँ जाएंगी और क्रॉस करेंगी बेली रोड को, फिर आगे से टर्निंग है घुमा देंगे। ये देखिए यहाँ पे डिवाइडर के साइड में जो है वो बनाया जा रहा है, रेलिंग वगैरह लगेगी, लाइट वगैरह सब लगेगा, अभी पूरा फिनिशिंग का काम बचा है, अभी फ़िलहाल सिर्फ छत पर रखने का काम चल रहा है। तो ऐसे में हम लोग बराबर चलते रहेंगे और आप लोग को दिखाते रहेंगे, काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है फिलहाल। ये देखिए ये आखिरी पिलर है, इसके बाद पूरा मिट्टी बिछाई गई, काली राख बिछाई गई है, फिर वहाँ से उसको ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, ये आखिरी पिलर है यहाँ पे। अब यहाँ से लेकर के पूरा कछार एरिया तक ये पूरा प्लांट एरिया लगाया गया है, यहाँ पे पूरा मिक्सचर होता है, जैसा कि मैं हर बार आपको दिखाता हूँ बताता हूँ। ये देखिए, ये सीमेंट बालू गिट्टी वगैरह का मिक्सचर होता है, फिर उसके बाद ट्रक में लोड होता है, फिर जहाँ पे ढलाई होता है वहाँ जाता है, और ये आपका जो ढांचा वगैरह है यहीं रखा जाता है इस क्रेन की मदद से। ये बड़ी बड़ी क्रेन लगाई गई है, ये देख सकते हैं, ये हाईवे का ढांचा है जिसे आप गार्डन भी बोल सकते हैं, यहाँ पूरा बन के रखा है, फिर ये ट्रक पे लोड हो करके जहाँ पे लगेगा वहाँ जाता है। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं सामने जितने भी पिलर हैं
ये सब इस पे रख के तैयार हो चुका है। और आगे में अगर आप देखेंगे तो 3-4 पिलर उधर खाली है, और जो केबल वाला ब्रिज है 4-5 पिलर पर केबल वाला ब्रिज बनाया जा रहा है। इस बार केबल आपके बीचों बीच लगेगा, जो कि नैनी पुल में आप देखे होंगे तो साइड साइड में लगता था, लगा हुआ है मतलब, और इस बार इसमें बीचों बीच लगेगा। इसके पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, तो फिलहाल ये आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे, दिखाते हैं आगे आप लोग को।